एग्रीड। अब किसी का चार्ट यूनिक है, उसका पता आप कैसे लगाएंगे? आप क्या करोगे? आवाज बंद हो गई हेलो, आपकी। आवाज आ रही है? हाँ, मैंने आवाज कहा, बंद हाँ मैंने कहा, आप कोई भी चार्ट जब देखते हो आप क्या देखोगे? आप प्लैनेट की पोजीशन देखोगे, राइट? है। हाँ उसके बाद उन प्लैनेट की पोजीशनिंग के हिसाब से आप दशा को स्टडी करोगे, और जो जितने प्लैनेट के रूल है उनको स्टडी करोगे। लेकिन हमें पता नहीं होता हम क्यों कर रहे हैं, हमें सॉल्यूशन क्यों नहीं मिलता है, बिकॉज वी डोंट नो ये चार्ट हमें क्यों मिला, और एंड वी डोंट नो कि हमें करना क्या है। जब आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा इसके पीछे का कारण क्या है, आपसे गलतियां नहीं होगी। यही कारण है कि जब भी कोई व्यक्ति बोलता है कि अरे ये सब आडंबर है, ये सब गलत, मैंने कहा, मैंने कई बार ऐसे स्पॉट शॉट प्रेडिक्शंस किए हैं कि इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे ये घटना घटित होगी, और घटना घटित हुई है। इसका कारण है क्योंकि चार्ट झूठ नहीं बोलता है। अगर उस व्यक्ति का पैटर्न, अगर वो व्यक्ति उस चार्ट के हिसाब से चल रहा है। देखिए, एक क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा था अभी हाल ही में, कुछ दिनों पहले, कि अगर सब कुछ विधि लिखी तो हम कर्म क्यों करें। शायद हमारे ग्रुप में से किसी ने डाला था, पर्सनल चैट था आई थिंक। तो मैंने सर उसे मैंने रिप्लाई, पूछा अच्छा निखिल जी आप थे शायद, तो शायद मैंने आपको यही जी। रिप्लाई दिया था कि नहीं, विधि लिखित नहीं है, चार्ट हमें एक डायरेक्शन देगा, लेकिन क्या उस डायरेक्शन पे हम चलते हैं या उसको उसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट द टाइड हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। हमें चार्ट क्यों मिला? हमारे कार्मिक अकाउंट के कारण। व्हाट एवर कार्मिक अकाउंट वी हैव डन इन द पास्ट, दैट्स व्हाट वी हैव गॉट, नॉट मोर देन दैट। अब ये आप कहोगे कि पिछले जन्म के कर्मों की सजा हमें अब क्यों मिल रही है, आज ही क्यों, अभी ही क्यों, इन सब के जवाब हमें मिलेंगे। एक्चुअल में ईश्वर ने कुछ नहीं किया है, उसने एक साइंस जनरेट किया है, और उस साइंस के हिसाब से सब कुछ चल रहा है, राइट? अभी अगर हम कंसेप्ट की बात करें, सबसे पहले ये समझिए प्लैनेट की पोजिशनिंग क्या है। अभी अगर आपने, अगर ये अभी देखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग एस्ट्रोलॉजी द साइंस, मैं कहूँ ये केवल एक गेम ऑफ चेस है। इसके बीच में 9 प्लैनेट्स, 12 हाउसेस, 12 राशिज एंड 27 नक्षत्र, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपने इनको समझ लिया तो आपकी प्रॉब्लम एकदम सॉल्व, राइट? मैं आपको कुछ बेसिक्स, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होंगे ना, क्योंकि इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एकदम नए होंगे। अच्छा, इसमें नए कितने लोग हैं जिनको कुछ भी पता नहीं प्लैनेट्स क्या होते हैं क्या कुछ? देखिए पता है पर अधकचरा ज्ञान है, इसको कि हम बोल नहीं सकते कि हमको पता है। अच्छा ठीक है, हम लोग वी विल गो विद बेसिक्स, नो इश्यू। ठीक है, अब अगर मैं एक वीडियो लगाता हूं आपके सामने, ए वेरी शॉर्ट वीडियो, फाइन। ये क्या है? हमारा सोलर सिस्टम है। वीडियो दिख रहा है आप लोगों को? जी सर, यस सर, ये बीच में सन है, इसके बगल है मर्क्यूरी, वीनस, हमारा अर्थ। इसमें मून को दिखाया नहीं गया क्योंकि मून भी नहीं दिख रिवॉल्व रहा, कर नहीं रहा है अर्थ। दिख रहा सर, नहीं दिख रहा। हाँ स्क्रीन नहीं दिख रहा है? आप दिख रहे हैं, दिखा? दिखाई दे रहा सर। जी दे रहा है। ठीक है ठीक है। वो कई सर, बार क्या होता है, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू होगा आपके एंड पे भी, अगर मोबाइल डेटा जी यूज करते हैं तो कई बार दिक्कत आ जाती है, नॉट एन इश्यू। अब अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे, राइट, ये बीच में सन है, ये आपका मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, राइट, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, सभी प्लैनेट आपको दिख रहे हैं। सबकी स्पीड देखिए, सबसे फास्ट कौन भाग रहा है यहाँ पे? मर्क्यूरी। अब यहाँ पे एक मून नाम का प्लैनेट, एक मून नाम का व्यक्ति भी है जो अर्थ के अगेंस्ट, अर्थ के साथ रिवॉल्व कर रहा है। ये जो बुध है 88 डेज लेता है, बुध लेता है 88 डेज फॉर वन रिवॉल्यूशन, राइट? लेकिन मून कितना लेता? 27 डेज। सबसे फास्टेस्ट अगर मैं अर्थ के कंसिडरेशन में देखूं तो कौन सा प्लैनेट है अर्थ के कंसिडरेशन में? रिलेटिवली कौन है? मून है। उसके बाद कौन है? मर्क्यूरी है। अब आप देखोगे ये जो दिख रहा है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू सन,
सन के अगेंस्ट सबके सब रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हम पैदा कहां हुए? अर्थ पे। अर्थ पे। सो सेंटर ऑफ ओरिजिन कौन सा होना चाहिए? अर्थ होना चाहिए, ये तो मानते हो। अब इस वीडियो को हम बंद कर देते हैं, ठीक है। अब व्यक्ति का जन्म हुआ अर्थ पे, तो जो भी रिलेटिव इफेक्ट है, अब रिलेटिव इफेक्ट का मतलब समझिए, हर प्लेनेट का एक गुरुत्वाकर्षण बल है, ये तो आप मानते हैं। ऐसे ही धरती का भी एक बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, मर्क्यूरी का भी है, जुपिटर का भी है, यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून सबका है, लेकिन हम पैदा अर्थ पे हुए हैं, तो अर्थ के रिलेटिव भी ये जो प्लैनेट है एक दूसरे के साथ पुश और पुल का खेल खेलते हैं। इस चीज को समझना होगा हमें। पुश एंड पुल का मतलब होता है कि पहली बात तो हर प्लैनेट अपनी तरफ एक खिंचाव रखता है, एक खिंचाव है, राइट। लेकिन जब दो प्लैनेट एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट निर्माण होता है, जैसे चुंबकत्व की बात करते हैं हम लोग। दो मैग्नेट आप सामने सामने खेलिए, आपको क्लियर समझ में आएगा। अब सबके मोशन की स्टडी हम जब अर्थ के रिलेटिव करते हैं तो वो बनती कुंडली। अब वो कुंडली कैसे बनती वो मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि कुंडली हमने बना तो, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कुंडली बनी कैसे। सबसे पहला क्वेश्चन, ये 90% लोगों को पता नहीं होता है ये चार्ट बना कैसे। फॉर एग्जाम्पल, ये सोलर सिस्टम में हमारे प्लैनेट की पोजीशन है, ये सन है, ये हमारा अर्थ है। अब हम क्या करेंगे, इस अर्थ से 360 डिग्री, कोई भी सर्कल जो है वो 360 डिग्री होती है, ये आप सबको पता है या किसी को डाउट है इसमें? राइट। जिनको पता नहीं आपको बता दूं कि जो सर्कल होता है, अगर मैं एक गोलाकार बनाऊंगा तो वो टोटल 360 डिग्री होता है। ओके तो हमने क्या किया, अर्थ पे एक बच्चा पैदा हुआ किसी कोऑर्डिनेट पे, किसी जगह पे, यहां से मैंने इसको 360 डिग्री एक सर्कल बना दिया अर्थ पे। अब मैंने क्या किया, इस 360 डिग्री को पे क्या किया, इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर आप 360 को 12 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 30, 30 डिग्री, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उसके बेस से एक 0 डिग्री बनाया, और उस 0 डिग्री से, वो 0 डिग्री का कंसेप्ट, उसको लगन का कंसेप्ट, लगन अभी मैं बाद में समझाऊंगा वो लगन कैसे आया, उसके पीछे का साइंस क्या है, ठीक है। ये 360 डिग्री से हमने 30 डिग्री के इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो प्लैनेट जहां जहां बैठे थे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग नेपच्यून इनको लेते हैं, नहीं उसके पीछे का भी कारण मैं आपको बताऊंगा। हम लोग मूल रूप से 9 प्लैनेट लेते हैं, उसमें 7 मेन प्लैनेट है जिनका अस्तित्व है, वो कौन कौन से है, आपका बुध है, शुक्र है, देन शनि है, फिर आपका सूर्य है, चंद्र है, मंगल है और बृहस्पति, ठीक है। और दो छाया ग्रह है जिसे हम राहु केतु बोलते हैं। वो छाया ग्रह कैसे बने गए वो विज्ञान आपको समझ में आ जाएगा, तो आप समझ जाओगे कि राहु केतु इतने तकलीफ क्यों देते हैं हमें, उनके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का। खैर, ये यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए, इस डिग्री कैसे आया, क्लियर। अब इसके बाद आप देखिएगा, आप देखोगे कि ये पहला भाव, दूसरा भाव, हमने इसको पहला भाव बना लिया, 0 डिग्री जो है इसको लगन मान के, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव। पांचवे भाव में यहां पे कहीं जुपिटर बैठा है, बृहस्पति। अब मैंने जब बोला हर भाव 30 डिग्री का, तो मैंने यहां से इसकी नाप लगाई, यहां से कितना हो गया, 28 डिग्री हुआ। ये टोटल अगर 30 है तो ये यहां से 28 हुआ लगभग, तो मैंने यहाँ पे जुपिटर अर्थात गुरु को लिख दिया 28 डिग्री। देखिए पांचवे भाव, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव। अब आप बोलोगे ये क्या बनाया, दर्शन में कहानी ये है कि इसके जो सूत्र है, उन सूत्रों को बनाते समय ऋषि मुनियों ने देखा कि अगर कुंडली में गोलाकार बनाऊंगा तो उसको समझना मुश्किल हो जाएगा व्यक्ति को। उन्होंने क्या किया, इस 12
भाव को, इस 12 भाग को स्क्वायर फॉर्म में बना। अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो उनकी कुंडली का पैटर्न अलग होता है, वो ऐसे उल्टा चलते हैं। इसको आइडिया दक्षिण भारत की कुंडली देखना है? नहीं सर। दक्षिण भारत की कुंडली थोड़ी अलग होती है, वो ऐसा उल्टा चलते हैं मैंने देखा सर। और पीछे जाते हैं और बीच में स्क्वायर होते हैं। हमारे उत्तर भारत में क्या होता है, हम इस पैटर्न में फॉलो करते हैं, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, नौवा, दसवा भाव, 11th हाउस एंड 12th हाउस। और ये हाउस कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जब बच्चा कभी पैदा हुआ उस समय पूरे ब्रह्मांड की एक फोटो खींची जाती है। मैंने कहा ब्रह्मांड यहाँ पे सोलर सिस्टम की, इसके पीछे एक कारण मैं अभी बताऊंगा ब्रह्मांड की। जब उस ब्रह्मांड की फोटो खींची जाती है तो बच्चा जब पैदा हुआ उससे रिलेटिवली कौन सा ग्रह कहाँ पे है, राइट? जैसे बच्चा यहाँ पैदा हुआ, यहाँ से रिलेटिवली जुपिटर यहाँ बैठा है, तो मैंने जुपिटर को यहाँ डाल दिया। फिर मैं देखता हूँ मंगल यहाँ बैठा है, मैंने मंगल को यहाँ डाल दिया। बीचों बीच देखिए टोटल 30 डिग्री होती है, बीचों बीच 16 डिग्री हुआ, को यहाँ डाल दिया। उसके बाद मैंने देखा सूर्य भाई सब यहाँ बैठे हैं, सातवें कौन से भाव में, अष्टम भाव में, वे यहाँ पे आ गए। बुध, शुक्र और शनि यहाँ बैठे हुए 9th हाउस में, फाइन। और चंद्र यहाँ पे आ गए 12th हाउस में, क्योंकि चंद्र अर्थ के एकदम करीब, देखिए यहाँ पे चंद्र दिख रहा है, ठीक है। राहु केतु एक दूसरे के विपरीत 180 डिग्री होते हैं, वो एक्सिस है जहां पे सूर्य और चंद्र दोनों को क्रॉस करते हैं। ये टॉपिक हम किसी और दिन देंगे क्योंकि एक थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाएगा, तो अभी हम केवल बेसिक समझ डिफाइन कर दिया, उनको भी यहाँ पे मैंने डाल दिया। इस तरह से आपका बर्थ चार्ट अर्थात कुंडली बनती है। यहां तक कोई डाउट किसी को? सर इसमें स्टार्ट जो राहु को हमने स्टार्ट लिया वो किस बेस पे लिया है? राहु को मैंने स्टार्ट नहीं लिया, ये एक मैंने जनरल दिखाया हुआ है आपको। राहु कहीं अच्छा भी हो सकता है, ठीक है, राहु केतु, ओके। ये एक सिर्फ आपको दिखाने की कोशिश की गई कि कुंडली बनी कैसे। आप अक्सर ठीक है कुंडली इस तरह की देखते हो लेकिन एक्चुअल कुंडली ये नहीं है। कुंडली कभी भी गोलाकार होती है, जब व्यक्ति पैदा होता है तो ब्रह्मांड की ठीक एक फोटो खींची जाती है, और उसे जन्म भी क्यों मिला है उसके पीछे कारण से कर्म है, वो ब्रह्मांड की जो फोटो है उसके कर्म के अनुसार ही उसको मिला है। जैसे आपका एक उसमें पासवर्ड होता है, ऐसे ही हमारे कर्मों के अनुसार हमारा एक पासवर्ड सेट हुआ, और उस पासवर्ड अनुसार जब वो पासवर्ड मैच हुआ ब्रह्मांड में तभी वो हमें एक्सेस मिला ब्रह्मांड में, हमें वापस जन्म लेने। हमारा जन्म होता है, जन्म के पहले हम माँ के गर्भ में जाते हैं। सर, आपके माइक से थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है। इज इट क्लियर नाउ? हेलो जी सर, सर वॉइस जी सर। ब्रेक हो रही। वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है अब अभी? ठीक है सर, अभी क्लियर है सर। बस क्लियर ओके है। सर सर ठीक है सर। जी सर। यस सर। वेट जस्ट मिनट। ओके अब क्लियर होगा, फाइन। ठीक ओके तो है यहां तो पिक्चर क्लियर है कि ये जो इमेज है इस इमेज को हम स्क्वायर फॉर्म में लेके आते हैं, इसे हम कहते हैं कुंडली। जी। अब इस कुंडली में दो चीजें आती है, एक होता है भाव, दूसरा होता है राशि, तीन चीज आती है, भाव, राशि और प्लैनेट, फाइन। जहां पे हॉरिजॉन, जहां व्यक्ति पैदा होता है, जहां पे एक हॉरिजॉन कट होता है उसे लगन बोलते हैं। लगन को हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि अभी हम केवल चार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, और जहां पे उसको कट करते हैं उसको हम पहला भाव कहते हैं, फर्स्ट हाउस। जहां लगन बनता है वो फर्स्ट हाउस होता है। अब वो लगन जहां कट करेगा उस पे जो राशि आएगी वो राशि संख्या यहाँ पे हम डिफाइन कर दिए जाते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
राशियों के बारे में आप सबको पता है, जैसे 12 भाव होते वैसे 12 राशियां होती है, यहां तक तो आपको पता होगा बेसिक मोटा मोटा, ठीक है। तो यहाँ ये तो पिक्चर क्लियर है, फाइन। अब मैं कुछ आपको और चीजें दिखाता हूं राशियों के बारे में। ये सब डेटा आपको नेट पे मिल जाएगा, ये मैं कोई अलग से नहीं दिखा रहा हूं ना, मैं बनाया हुआ है, मैं आपको झूठ नहीं कहूंगा इसमें। जो चीज रेडीली अवेलेबल है वो बेटर है हम बाहर से यूज कर लें, ठीक है। अब अर्थ के, अर्थ को मैं सेंटर मानता हूं, राइट। तो ये 360 डिग्री का चार्ट, 360 डिग्री का हमारा सर्कल बना, उसमें प्लैनेटरी पोजिशन बनी, और इसको जब सर्कल करेंगे चारों तरफ टोटल 12 राशियां हैं। पहली राशि मेष है, ऋषभ है, मिथुन है, कर्क है, सिंह राशि कन्या, तुला, वृश्चिक, उसके बाद धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। और इसके बाहर एक कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं नक्षत्रास। अब ये नक्षत्रों का खेल क्या, मैं आपको समझाता हूं क्योंकि ये हमें समझना होगा। ये कंप्यूटर में कहाँ, इसमें कहाँ पे, कौन सी साइट में है ये? सर आप गूगल पे सर्च करेंगे सब मिल जाएगा, मैंने नेट से ही निकाला है कुछ कुछ चीजें, कुछ चीजें बनाई है, कुछ चीजें नेट से निकाला है, बट सब कुछ आपको नेट पे अवेलेबल है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है सर। अब देखिए ये हमारी धरती है, ठीक है, इसको मैंने सेंटर माना। सबसे पहले आपको कौन मिलेंगे, राशिज, राइट। जो पहला ऑर्बिट है इनर ऑर्बिट, दैट इज फॉर राशिज, और जो आउटर ऑर्बिट है वो क्या पता है, नक्षत्रास। बिना नक्षत्र के कोई प्रेडिक्शन देना बेईमानी है, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि होता क्या है, हम केवल राशि से जब प्रेडिक्शन करते हैं तो बहुत ही मोटा मोटा और बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट सामने आता है निकल के, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट नक्षत्र देते हैं। अबे नक्षत्र होते क्या है, किसी को पता नक्षत्र क्या होते हैं? बचपन से सुना होगा आपने, मतलब जो पुराने जमाने के लोग हैं वो अक्सर ये कहते थे कि आज सूर्य पुष्य नक्षत्र में है, आज ये नक्षत्र उदय हुआ है, हमें ये काम नहीं करना चाहिए। पीछे इसका बैकग्राउंड हमें कुछ भी पता नहीं है, बट हम सुनते आए बचपन से, लेकिन किसी को पता है नक्षत्र होते क्या है, एनी आइडिया? सर मेरे ख्याल से जब मून के जो 27 दिन होते हैं, हाँ जब 27 दिन में अलग अलग दिनों के हिसाब से नक्षत्र बांटे गए हैं। ठीक है, लेकिन इस नक्षत्र बेसिकली है क्या, ये कोई ग्रह है, कोई वस्तु है, ये क्या है? मून की वाइब्स है ना सर ये? नहीं, मैं आपको तो नक्षत्र देखा। सर, हाँ जी मैम सर, बताइए। हाँ जी सर, ये नक्षत्रास जो होते हैं इनको इंग्लिश में कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं, ये बिल्कुल कुछ सही, तारा समूहों के ग्रुप्स बने होते हैं अलग अलग। ये बिल्कुल कुछ सही कहा, तारे, जैसे किसी में 2 तारे, किसी में 3 तारे, किसी में 4 तारे, तो वो जो एक शेप फॉर्म होती है, तो हमारे ऋषि मुनियों ने जब शुरू में आसमान में देखा तो उन शेप्स को किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे किसी को कॉट के आगे के 2 पैर, पीछे के 2 पैर, तो ऐसे 27 नक्षत्रास बने। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। तो ये सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं स्टार्स की। देखिए जैसे हमारा सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, ऐसे ही हमसे बहुत दूर, इतना दूर कि शायद कई हजार वर्ष लग जाए वहां पहुंचने में, उनको लाइट ईयर्स का कंसेप्ट कहा जाता है, थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स दूर कई तारे मिलेंगे आपको। आप आसमान में देखेंगे रात को तो तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इन तारों को समूह में बांटा गया अलग अलग अलग, क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि एक ग्रेविटेशन पुल एंड पुश है, वो ग्रेविटेशन पुल और पुश कौन कर रहा, प्लैनेट कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है हम लोग सूर्य के अराउंड क्यों रिवॉल्व करते हैं, इसके पीछे किसी कुछ कारण पता है? सभी प्लैनेट आंख बंद करके अपना एक एक स्पेसिफिक पाथ फॉलो करते हुए इस सूर्य के अराउंड रिवॉल्व करते जा रहे, सभी के सभी प्लैनेट, उसके पीछे कारण कोई बता पाएगा? अगर आप साइंस को स्टडी करें,
सभी प्लैनेट इस सूर्य का टूटा हुआ एक हिस्सा है, पहली चीज। और सूर्य का भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कहीं ना कहीं इनको बाध्य कर रहा है उसके अगेंस्ट रिवॉल्व करने के लिए। ऐसे ही सूर्य भी कहीं ना कहीं घूम रहा है, सूर्य का भी एक ध्रुव है, वो भी रिवॉल्व कर रहा है। अगर आप आकाश गंगा को स्टडी करेंगे, आकाश गंगा में लाखों तारे और उनमें जो हमारे इस तारे अर्थात सूर्य के नजदीक जो तारे हैं उनका एक समूह बनाया गया। ये ऋषि मुनियों ने बहुत पहले स्टडी कर लिया था, सोचिए विज्ञान कितना उन्नत था। और उनको 27 नक्षत्र और 108 पदों में विभाजित किया गया, क्योंकि उन्होंने क्या पाया, ये जो तारे हैं ये भी अपना प्रभाव डाल रहे, और इनका प्रभाव ऐसा है, इतना मजबूत प्रभाव है कि उससे हम बच नहीं सकते। एक्चुअल कहानी क्या होती है, जब हम प्रेडिक्शन देते हैं हम क्या करते हैं, व्यक्ति ने इस धरती पे जन्म लिया, हमने राशियों को तो कंसिडर कर लिया लेकिन इन तारों के प्रभाव को स्टडी नहीं करते। एक छोटा सा एग्जांपल समझिए कि एक लाल कलर की ग्लास है राइट, और उसमें से सनलाइट आ रही है तो लाइट कैसे आएगी, लाल। और अगर पीले कलर की ग्लास है उसमें से अगर लाइट आ रही है तो लाइट कैसे आएगी, पीली। क्योंकि क्या हुआ, वो जो कलर है उस कलर ने अपना जो रंग है उस लाइट को दे दिया और उस लाइट ने उस रंग को लिया और आगे बढ़ के आई। यहां तक तो पिक्चर क्लियर है? अब आप समझिए कि ये नक्षत्र है, यहाँ पे नक्षत्र है जी मैम, यहाँ पे नक्षत्र है, यहाँ पे राशि है। इस नक्षत्र से जो ऊर्जा आई यहाँ की राशि को या यहाँ पे जो प्लैनेट बैठा हुआ है उनको साथ में लेकर के उनके उनके रंग में रंग के वो कहाँ पहुंची, पृथ्वी पे पहुंची। और हम पे इफेक्ट किसका पड़ा, सबसे पहले जो नक्षत्र है उसका पड़ा, उसके बाद जो राशि पड़ी उसका पड़ा, और उसके बाद जो प्लैनेट आया उसका पड़ा। उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहता हूं यहां पे जुपिटर है, जुपिटर को बहुत ही शुभ प्लैनेट माना गया है, यहां पे एक नक्षत्र, यहां पे जुपिटर है, जुपिटर कौन से राशि में है, जुपिटर 7 नंबर तुला राशि में है। अब तुला के पीछे कोई नक्षत्र है तो नक्षत्र से जो लाइट आई वो तुला पे गई और तुला से जुपिटर पे, ठीक है। और जुपिटर कौन सी ऊर्जा लेके यहाँ पे आया, तुला राशि और जो उसके पीछे नक्षत्र उसका। हम क्या करते हैं, हम केवल राशि तक स्टडी करते हैं, नक्षत्रों को भूल जाते हैं। क्यों, क्योंकि 27 नक्षत्र, उनके स्वामी, उनके पद 108 पद आ गए और उन पद से रिलेटेड भी जो एनर्जीज है, जो उनके देवता है उनको स्टडी करना। जैसे गंडमूल नक्षत्र किसको किसको पता है, मूल नक्षत्र सुना होगा आप लोगों ने, लोग उससे कई बार डरते हैं, लोग डरते हैं उसके, कई मूल नक्षत्र पैदा हुआ पूजा कराओ, हाँ पूजा कराओ, लेकिन उस पूजा के पीछे का कारण क्या, उसके पीछे का साइंस क्या है, वो इतना खतरनाक नक्षत्र क्यों बन जाता है। गंडमूल के 6 नक्षत्र आते हैं 108 में, 127 में से, पता आपको? यस सर, हां जी पता। लेकिन उसके पीछे का जो साइंस है वो आपको ये केवल चार्ट डिफाइन कर सकता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को एज एस्ट्रोनॉमी स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों है, और तब आपको उपाय भी समझ में, हमें क्या उपाय करना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये तो क्लियर है ना, इसमें किसी को डाउट है कि नक्षत्र की एनर्जी राशि कैसे लेके आ गया? नहीं सर कोई डाउट नहीं, क्लियर। किसी को भी हो, ऐसा कोई क्वेश्चन छोटा नहीं होता है, आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें से कई लोग होंगे जिनको पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको पता ना हो तो आगे जाके वो लोग बीट हो जाएंगे, उनको पता नहीं चलेगा, क्लियर ना। अब ये जो 12 राशि है, अच्छा किसी को आइडिया, आप में से कोई जिसको पता ना हो ये 12 राशियों के बारे में, आई थिंक नोबडी, दैट्स गुड, तो हम लोग आगे ही बढ़ते रहते। इनके स्वामी पता आपको राशियों के जी? हाँ जी सर सबको,
यस गुड। अच्छा नक्षत्रों के बारे में पता नहीं होगा, इतना तो मैं डाउट करता हूँ नहीं सबको। नक्षत्र पता है सर, पता नहीं है सर, जी नहीं पता नक्षत्रों का नहीं नक्षत्र आइडिया। का। 27 नक्षत्र हैं, वो तीन तीन डिवाइडेड हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली पता नहीं डिटेल के उनके डिटेल नवतारा वाला नवतारा पद्धति तो अलग पद्धति हो गई, वो अलग कंसेप्ट नहीं है। नहीं सर, जो तीन तीन डिवाइड करना बता रहे हैं वो मैं कह अच्छा रहा अच्छा हूँ। अच्छा क्योंकि पहले के जमाने में, प्रभु राम के जमाने में तो नवतारा पद्धति यूज होती थी प्रेडिक्शन जी देने जी के हाँ लिए, राइट। जी इनफैक्ट कृष्ण जी जो मोर का पंख लगाते हैं वो सब नवतारा पद्धति से ही, उसके पीछे का साइंस नवतारा ही है। जी सर जी ये राशि राशियों का कंसेप्ट ये सब बाद में आया है। फाइन पहले सर नक्षत्र बेस पे ही सारी प्रेडिक्शंस और सारी चीजें चलती थी, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से राशि का कॉन्सेप्ट आया बाद में। राशि का कंसेप्ट इजी है। एक्चुअल क्या होता है, जो बेसिक मोटा मोटा प्रेडिक्शन है ना, देखिए मैं वो ये नहीं कहूंगा राशि का उपाय काम नहीं करता है। एक छोटा सा उपाय मैं आपको कहता हूँ, आपकी दशा जिसकी चल रही है आप उसका उपाय कर लो, रिजल्ट आएगा 100% आएगा। जो भी दशा चल रही है आंख बंद करके उसका उपाय करो, रिजल्ट 100% आएगा। लेकिन आपको पता नहीं है कि वो रिजल्ट कैसे काम कर रहा है। अगर फाइन ट्यून रिजल्ट लेना है, मैं ये नहीं कहूंगा 100% आएगा कि पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन 50 से 60% रिजल्ट आपको दे देगा अगर आपने केवल दशा लॉर्ड का उपाय कर लिया तो। जी। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि अनुराधा नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र मतलब यहाँ पे कुछ तारों का समूह है, इन तारों के समूह से जो ऊर्जा गई, फाइन, वो कहा, वो आगे गई स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। किसकी राशि? वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, राइट। उसके बाद वो ऊपर से वो जल तत्व है, उसके बाद यहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा था, उदाहरण के लिए यहाँ पे चंद्र बैठा हुआ है। अब उस चंद्र को उसने ऊर्जा दी, अब वो चंद्र वो ऊर्जा लेकर के आपके जीवन में आ गया। अब चंद्र के पास कौन सी दो ऊर्जाएं आई? सबसे पहले अनुराधा नक्षत्र जो कि शनि का नक्षत्र है, दूसरा है मंगल शनि मंगल जी। और ऊपर से जल तत्व। अब आप देखोगे कि उस पे जो प्रभाव पड़, जी अग्नि या पाली हाँ, अग्नि पानी तो ये जब यहां पे आएगा ज्येष्ठा में आएगा तब पड़ेगा, ज्येष्ठा नक्षत्र जी। इस नक्षत्र में कोई दिक्कत नहीं है, अनुराधा में कोई दिक्कत नहीं। अनुराधा एक अच्छा नक्षत्र, पॉजिटिव नक्षत्र माना जाता है सैटर्न का, क्योंकि इसमें एक शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, राइट। बट कहानी कब बिगड़ती है पता है, कि इस अगर इसका लॉर्ड अर्थात शनि, शनि कहीं नेगेटिवली प्लेस्ड होगा, राहु से संबंध बनता होगा। सपोज मैं बोलता हूँ शनि आर्द्रा नक्षत्र में आपकी कुंडली में, राइट, और वो बुध के साथ, बुध की ऊर्जा भी साथ में लेके आ रहा है, तब आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सी ऊर्जा मिली और मुझे यहाँ पे कौन सी ऊर्जा मिली, शनि का बिहेवियर यहाँ पे क्या होगा। और आपका चंद्र आपके मन पे, आपकी माता पे, देखो चंद्र का संबंध भी कई जगह होता है, ठीक है, मैं उस कंसेप्ट को बाद में लेके आऊंगा, क्योंकि प्लैनेट का भी एक अपना एक कंसेप्ट है, एक स्वभाव है, एक मूल स्वभाव है हर प्लैनेट का, वो अपने स्वभाव से रिजल्ट देगा। और इसमें जब आप उपाय ढूंढेंगे तो उन उपायों में आपको उन सभी चीजों को कंसिडर करना होगा, नहीं तो रिजल्ट आना ही नहीं है। बिना नक्षत्रों के, बिना तत्वों के आप उपाय कीजिएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। कई लोग नौमास कुंडली का प्रयोग करते हैं, नौमास कुंडली का किसी को आइडिया है इसमें? यस सर आज की क्लास यस एकदम सर बेसिक है यार, इसीलिए जस्ट मैं समझना चाहूँ आप लोगों को हाँ क्या पता है नौमास कुंडली क्या जी है। सर नौमास, आइडिया नौमास कुंडली क्या है? किसी एक भाग को हमने फर्दर 9 भाग में डिवाइड किया, नाइन यस सर डिवाइड तो टोटल 12 राशियां हैं, 12 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, टोटल 108 भाग हो गए, राइट। अब इन नक्षत्रों को, अगर इन प्रत्येक नक्षत्र में 4 पद होते हैं, अब हर पद के एक एक देवता होते हैं, इनको मैंने जैसे ही डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, 27 × 4 कितना हो गया? 108। यस डायरेक्टली सर इनडायरेक्टली नौमांश पे काम करना भी नक्षत्रों पे काम करने जैसा होता है। नौमांश का कंसेप्ट ऐसे ही नहीं आया गया, और नौमांश का अपना एक महत्व है, जितने डिविजनल चार्ट्स है उसमें सबसे ज्यादा महत्व नौमांश को दिया जाता है, यही कारण है, क्योंकि आप उसको फाइन ट्यूनिंग लेवल पे लेके जाते हो किसी भी रिजल्ट को प्रेडिक्ट करने के लिए, किसी भी प्रॉमिस को जस्टिफाई करने के लिए।
ठीक है, तत्वों के बारे में किसको किसको पता है? सर आइडिया सर, पांच तत्व वाले तत्व ना? हाँ, पांच जी तत्व जी किन पांच प्लैनेट के कौन से? अग्नि, जी, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, सर राइट। हाँ युवा जी बोलिए। नहीं सर, वो डाउट नहीं था, मैं बता रहा हूँ, मुझे ही पता था। जी, अब ये जो पांच तत्व है, इनका संबंध प्लैनेट से, राशियों से पड़ता है, ये तो मानते हैं। तब मैं कहता हूं, एस्ट्रोलॉजी इज अ गेम ऑफ चेस बिटवीन 9 प्लैनेट्स, 12 हाउसेस, 12 राशियां और 27 नक्षत्र। तो इसका मतलब हमें समझना होगा कि ये खेल कैसे खेला जाता है, ये खेल कैसे होता है। सबसे पहले हमें रिजल्ट कौन देगा? प्लैनेट देगा, क्योंकि वो सबसे नजदीक है। लेकिन उस रिजल्ट को प्रभावित कौन करेगा? राशियां और नक्षत्र करेंगे। अगर आप किसी भी कुंडली या चार्ट को देखेंगे, हमें रिजल्ट कौन दे रहा है? ये प्लैनेट दे रहे, और ये भाव दे रहे, जिस भाव में ये प्लैनेट बैठे हुए हैं, ये तो मानते हो, राइट? जी सर, लेकिन इस रिजल्ट को प्रभावित कौन करेगा? इन राशियों के स्पेसिफिकेशन, तत्व, डायरेक्शन और जो बाहरी ऑर्बिट में नक्षत्र बैठे हुए, वो जो ऊर्जा लेके आएंगे उसके हिसाब से बिहेव करेंगे। अभी मैं यहीं पे आप लोगों में से पूछूं, आप में से ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि मेरे भी फर्स्ट हाउस में राहु है, लेकिन क्या राहु का इफेक्ट सभी के कुंडली में सेम है? नहीं। एग्रीड? किसी को राहु बहुत प्रताड़ित करता होगा, और किसी को राहु आसमान में, आसमान की बुलंदी भी लेके जाता होगा, क्योंकि राहु का स्वभाव एक्सट्रीम जाना, या तो एकदम जमीन पे धसा देगा या तो एकदम आसमान पे उठा देगा, क्योंकि उसका नेचुरल स्वभाव है। तो इन स्वभावों को हम कल समझेंगे कि प्लैनेट का स्वभाव कैसा है, राइट? उसके बाद जी ये जितने हाउसेस है, इनमें बेसिकली जो स्पेसिफिक हाउसेस है, इनके महत्व क्या है, और इसके बाद तत्वों का क्या महत्व है, और इनको हमें अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, मैं ज्यादा बेसिक में नहीं जाऊंगा, मुझे पता आप लोगों को ये बेसिक आइडिया है, एल्स आई मस्ट हैव गॉन, कि प्लैनेट कौन कौन से होते हैं, राशियां कौन कौन सी होती है, उनके स्वामी कौन है, ये सब जाने की जरूरत नहीं ना। नहीं सर, नहीं अच्छा, सर, एक बार कोई रिपीट कर सकते हैं? इट विल बी फॉर गुड फॉर अस। नहीं सर, ठीक है, एक बार रिपीट करना है तो कल कर लेंगे, शॉर्ट में 10-15 मिनट में हम रिपीट करके फिर हम लोग कल आगे बढ़ेंगे, फाइन। ठीक है सर, लेकिन कंसेप्ट यही है मोटा मोटा, आपको ये ध्यान में रखना है कि जब तक इन सबके इफेक्ट को आप स्टडी नहीं करोगे, नक्षत्र, राशि, प्लैनेट एंड हाउसेस, रिजल्ट कभी नहीं आने वाला। और इसमें भी हर नक्षत्र का एक स्वभाव है, हर राशि का एक स्वभाव है, हर प्लैनेट का एक पर्सनल स्वभाव है, और वो अपने अपने स्वभाव के हिसाब से काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुत्ते का स्वभाव क्या है? काटना काटना, भौंकना, वफादारी, ये उसके कुछ नेचुरल स्वभाव है। सांप का स्वभाव क्या है? डसना, राइट? तो जैसे हर ईश्वर ने जो प्राणी बनाए उनका एक स्वभाव है, ऐसे ही उन्होंने हमें भी एक स्वभाव दिया है। लेकिन ईश्वर ने क्या किया, सब कुछ तत्वों का खेल बनाया है। बिना तत्वों के आपको एस्ट्रोलॉजी समझ ही नहीं आएगी, मैं आपको लिटरली कहता हूं। आप किसी भी अच्छे वैद्य के पास जाइए, वो क्या करेगा, पहले आपकी नब्ज देखेगा, राइट? और उसके अनुसार उसको समझ में आएगा कि आपके नब्ज के हिसाब से आपके शरीर में कौन से तत्व की प्लस माइनस कमी है, या आपके शरीर में कौन सा तत्व डिसबैलेंस है, और उसके हिसाब से उपाय बताएगा। उसको पता है अग्नि तत्व दिक्कत में है। अब अग्नि तत्व दिक्कत में, उसमें दो तीन तरह से दिक्कत बन सकती है, या तो अग्नि तत्व कमजोर है, या तो अग्नि तत्व पे किसी और तत्व का प्रभाव है, या तो अग्नि तत्व में टॉक्सिन्स भरा पड़ा है, अर्थात पॉइजन है, राइट? अगर उसमें जी टॉक्सिन्स है तो वो क्या कहेगा कि इसके टॉक्सिन्स मुझे निकालने हैं, राइट? हाँ जी, हाँ जी व्यास जी, सर, हाँ सर, उसके बाद मैं क्वेश्चन कर दूंगा, समझा दीजिए उसके बाद। एक टास्क में
अच्छा, क्योंकि क्लास खत्म ही होने वाली, लास्ट मिनट है, आप पूछ सकते हैं, आप क्या पूछना चाह रहे हाँ सर, ऐसा था कि जो आपने बताया कि जो भाव होते हैं उसको हम वो अर्थ को डिवाइड करते हैं 12 भागों में, फिर जो नक्षत्र होते हैं वो मतलब होते हैं कि तारों के समूह होते हैं, तो फिर राशि जो है वो राशि क्या है, वो भी तारों के समूह ही है नहीं या? नहीं राशि एक इमेजिनरी ऑर्बिट है जो ऋषि मुनियों ने बताई, हम इसे कल कर डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी वो हो नहीं पाएगा, ये लास्ट मिनट है, क्लास खत्म होने वाली है, ठीक है ठीक राइट, है बट हम कल राशि से स्टार्ट करेंगे, राशि है क्या। ठीक है, बेसिकली नक्षत्र, प्लैनेट और राशि, इसको आप समझ लेंगे तो एस्ट्रोलॉजी बहुत सिंपल है। ठीक है, और कुछ भी क्वेश्चंस होंगे आप सर, लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, डिस्कशन में करेंगे बेटर रहेगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी।